नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्रोनेक्स्ट में स्वागत है, जहां पर आपको कृषि संबंधित जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है। आज हम आपको बताएंगे टमाटर और पत्तेदार सब्जियों के सबसे हानिकारक कीट के नियंत्रण और रोकथाम के बारे में, एक ऐसे कीट के बारे में जो पत्तियों में सुरंग बनाकर पौधे को नष्ट कर देता है, जिस कीट के ऊपर कीटनाशकों का भी प्रभाव कम पड़ता है, जिस कीट को हम सरपेंटाइन लीफ माइनर या पत्तियों का सुरंग भेदक कीट के नाम से भी जानते हैं। किसान साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि कृषि संबंधित जानकारी आपको सही समय पर मिलती जाए। यह कीट अपनी व्यसक अवस्था यानी छोटी मक्खी के रूप में खेतों में आता है और पत्तियों पर डंक मार के पत्तियों की बीच की सतह में अंडे दे देता है। अंडों से बाहर निकलने के बाद इस कीट के कीड़े पत्तियों में लंबी टेढ़ी मेढ़ी सुरंग बना देते हैं, जिसके कारण पत्तियों का विकास रुक जाता है, पौधे उनसे पनप नहीं पाते और पौधा समय से पहले नष्ट होकर मर जाता है। खेतों में इस कीट के प्रकोप से बचने के लिए सबसे पहले इस कीट की व्यसक अवस्था यानी मक्खी की अवस्था को नियंत्रित करना बहुत जरूरी होता है। इस कीट की व्यसक अवस्था को नियंत्रित करने के लिए खेतों में 4 से 5 फ्रूट फ्लाई ट्रैप या येलो स्टिकी ट्रैप का इस्तेमाल करने से इस कीट की व्यसक अवस्था को नियंत्रित किया जा सकता है। खेतों में नीम से बने जैविक रसायनों की मदद लेने से यह कीट खेतों से दूर रहते हैं और खेतों में सिंचाई देने के वक्त पत्तियों के दोनों हिस्सों को साफ करना बहुत जरूरी होता है। खेतों की समय समय पर निगरानी करें। अगर यह कीट पत्तियों में दिखाई दे तो संक्रमित पत्तियों को जलाकर नष्ट कर दें। अगर इस कीट का प्रकोप खेतों में ज़्यादा दिखाई दे रहा है तो खेतों में क्राइनट्रेनलिप्रोल और कार्बोफ्यूरन जैसे फर्टिलाइजर्स की मदद लेने से अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो इस वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।